कॉस्कोबिन प्लस सिरप जो कि एक पीडियाटिक सिरप है जिसको बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये 106 रुपये और 70 पैसे का ये पूरा सिरप रहता है जिसका यू 100 ml रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे कंटेंट डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला गया 7 mg एंड 5 ml नेसोक्लिपिन्स 1.83 डाला गया और सोडियम सिट्रेट इसके अंदर डाला गया 0.67 डाला गया। ये सिरप जो कि यूज़ होता है बहुत सारे केसेस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्राई कप में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल तो उन सब बातों का मैं ध्यान रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कॉस्कोपिन प्लस सिरप जो कि बनाया जाता है बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड्स नेस्कोपिन्स एंड सोडियम सिट्रेट डाला गया है और ये सिरप जो कि 106 रुपये के करीब रहता है, इसका MRP और 100 ml की बोतल में रहता है। ये ड्राई कप के लिए यूज़ होने वाला सिरप है। अगर आप इसको ज़्यादा पी रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं पी रहे हो, कंटिन्यूसली पी रहे हो, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, भूख का कम लगना हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, नींद में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी इसको पिए तो डॉक्टर की सलाह से पिए, सीक्वल करके पिए और डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिए और फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो कॉस्कोपिन पीडियाटिक्स जो कि प्लस सिरप है तो ये काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात को तो इसके अंदर 3 दवाई डाली गई है, अमोनियम क्लोराइड्स और नेस्कोपिन्स एंड सोडियम सिट्रेट डाला गया जो कि ड्राई कप से रिलीफ देता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि स्टिकीनेस को कम करता है और उस एयरवेज को खोलता है। नेस्कोपिन्स एक कफ सप्रेशन ड्रग है जो कि कफ से रिलीफ करता है सेंट्रल ब्रेन से, और सोडियम सिट्रेट एक म्यूकोलाइटिक्स है जो कि म्यूकस को लूज करता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ऐसे काम करता है ये सिरप। तो सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।